हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हरियाणा ईडीए के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। उससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हरियाणा का मेंस भी कंडक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, प्लस एग्ज़ाम जो है आपका 30 जुलाई को ही होगा। जैसा कि सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिट जो है वो आपकी डिसमिस कर दी गई है हरियाणा ईडीए की। तो भैया, ये जो सिनेरियो था आपके दिमाग में चल रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, मेंस भी कंडक्ट कराया जाएगा। यही मैंने हमेशा कहा था और यही मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेंस हर हालत में होगा। तो अगर आपको जो है ये दिमाग में है कि नहीं होगा, तो ऐसा विचारों को त्यागते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिएगा। हरियाणा ईडीए के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी उसके इस वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर प्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई थी? इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले। नहीं भैया, लॉर्ड मैकॉले ने जो है आईपीसी को ड्राफ्ट किया था, जेम्स स्टीफनसन के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ अफरे, अफरे की के लिए मिनिमम नंबर 2 रिक्वायर्ड होते हैं, और वहीं पर अनलॉफुल असेंबली की बात की जाए तो मिनिमम नंबर 5 होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अगर अफरे में पूछता है तो आपको 2 मार्क करना है, और अनलॉफुल असेंबली में पूछता है तो 5 मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु इज़ व्हेन एन एक्यूज्ड इज रिलीज्ड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस। चार्जेस फ्रेम होने से पहले अगर एक्यूज्ड को रिहा कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक्यूज्ड को रिहा किया जाता है उसको बोला जाता है एक्विटल। आफ्टर पूछेगा तो एक्विटल है और बिफोर पूछेगा तो डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एविडेंस एक्ट के किस प्रावधान के तहत में ये कहा गया है कि इट इज़ नॉट एडमिसिबल। तो भैया, कोई भी पुलिस अधिकारी को अगर आपने कन्फेशन दिया है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, और ये प्रोविज़न कंटेन करता है सेक्शन नंबर 25 में। और इसकी एक्सेप्शन जस्ट इसके नेक्स्ट है कि अगर वही कन्फेशन आपने मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दे दिया तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस की बात कहाँ पे की गई है? सेक्शन नंबर 133 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसके बारे में बात करता है। एकम्प्लिस इज अ डैश विटनेस अगेंस्ट एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के अगेंस्ट ये कौन सा विटनेस है? तो भैया, विटनेस तो है, ये पक्का है, कॉर्बेटिव विटनेस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्टामेंट्री, ये भी नहीं है। कॉम्पिटेटिव विटनेस इज द करेक्ट आंसर। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, तो भैया किस उम्र के बच्चे के द्वारा, मैक्सिमम एज यहाँ पर पूछा है कि मैक्सिमम एज किस बच्चे की कितनी होगी कि उसके द्वारा किया गया अपराध अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका ऑप्शन है 7 साल। 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध, कोई भी अपराध अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, और ये आईपीसी के कौन से प्रोविजन में दे रखा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। हु इज़ द राइटर ऑफ वन अरेंज्ड मैरिज, वन अरेंज्ड मैरिज वन ऑफ द फेमस बुक, उसके राइटर कौन थे? निरुपम यादव नहीं, यतीश यादव नहीं, गुरुचरण सिंह नहीं, चेतन भगत जो है उसके राइटर हैं, और चेतन भगत वन ऑफ द फेमस राइटर जिनकी कुछ बुक्स पर तो फिल्में भी बन चुकी हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर याद होगा और इनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस कौन से प्रोविजन में दे रखा है? तो सेक्शन नंबर सीआरपीसी का है ये, तो सेक्शन कौन सा है सीआरपीसी का? 320 है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ 2 तरीके से किया जाता है, एक तो पार्टीज खुद करती हैं, एक जो है कोर्ट के इंटरवेंशन से किया जाता है। दोनों के बारे में एनुमरेटेड 320 बात करता है। करंट की मेजर, करंट की एसआई यूनिट एम्पेयर है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इन विच केस इट वॉज सेट दैट एब्सेंस ऑफ द नेम ऑफ एक्यूज्ड पर्सन इन द एफआईआर कैन नॉट बी अ रेज्ड डाउट, कैन नॉट बी द ग्राउंड टू रेज द डाउट अबाउट द प्रोसिक्यूशन केस। सिर्फ एक्यूज्ड का नाम अगर एफआईआर में नहीं है
तो इस बेसिस पर आप डाउट नहीं कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन केस में, ये कहा गया था मुकेश वर्सेस एनसीटी दिल्ली के केस में। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि एफआईआर इज़ नथिंग बट अ नॉट एक आपको प्राइम इंफॉर्मेशन मिल रही है अपराध होने की। यहाँ पर एक चीज़ अपने दिमाग के कंप्यूटर में बिठा लीजिएगा, ये कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। और ये भी एक केस से आया था कि एफआईआर इज़ नॉट अ इंसाइक्लोपीडिया, उस केस का नाम ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर 154 154 सीआरपीसी। 154 सीआरपीसी किसके बारे में बात करता है? एफआईआर की बात करता है। एफआईआर की कॉपी जो है कि उसको देनी तो है, लेकिन ऑन कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्यूज पर्सन इज अ कम्पिटेंट विटनेस एनुमरेटेड इन विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। एक्यूज जो है कम्पिटेंट होता है, एक्यूज इज अ कम्पिटेंट विटनेस, ये 315 हेडिंग बेस प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हरियाणा ईडीए की टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। टोटल 80 टेस्ट हैं, 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाली है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको पूरा का पूरा पैटर्न जो है, पूरा का पूरा पैटर्न एडीए के परस्पेक्टिव से कराया जा रहा है। तो एक आप ये कह लीजिएगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करके और इस सीरीज़ को जो है आप लेकर अपनी प्रिपरेशन को अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज़ द टाइम कि आप जो है एमसीक्यूज़ पर शिफ्ट हो जाएं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने हो सके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को लगाइएगा। किसी सीरीज़ को आप जब ज्वाइन करते हैं मॉक टेस्ट ज़रूर दे के देखिएगा, अगर आपको वो टेस्ट सेटिस्फाई करता है तो ही आप उस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। तो प्राइस है इसका 999, जिसमें 80 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, 55 टेस्ट आपके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, रेस्ट आपको नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आपको मिलेंगे। और ये टेस्ट आपको नॉट ओनली फॉर द ADA बट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम भी बेनिफिट करेंगे। ऐप प्लस PDF दोनों में ये टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसका प्राइस जो है 10 तारीख तक सिर्फ 500 रुपीज़ कर दिया जा रहा है। तो 10 तारीख तक अगर आप इसको अवेल करते हैं तो सिर्फ ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ आपको 500 रुपये में मिल जाएगी। थैंक यू, जब तक की नेक्स्ट वीडियो आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, साथ बनाए रखें। थैंक यू।